आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यशायाह की पुस्तक छठवां अध्याय। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके छह छह पंख थे। दो पंखों से वे अपने मुंह को ढापे थे और दो से अपने पांवों को, और दो से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुँह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आँखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं, चाहे उसके निवासियों का दसवां अंश भी रह जाए, तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा।